ऐतिहासिक व्यक्तित्व का इस ऐतिहासिक धरती पर आप सब लोगों की ओर से पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे राजस्थान की जनता की ओर से ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस वीरता और शौर्यता की धरती पर स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आज हम सब लोगों को गर्व है कि ऐतिहासिक निर्णय के बाद मातृशक्ति का एक ऐसा अधिनियम जो आजादी के बाद से अब तक लंबित था लेकिन कोई ऐतिहासिक निर्णय ऐतिहासिक व्यक्ति ही कर सकता है और इस निर्णय के बाद इस वीर धरा पर पहला आगमन है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। एक ऐतिहासिक फैसला जो बरसों से देश इंतजार कर रहा था और सनातन में तो पहले से ही सीता राम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण उमा शंकर गौरी शंकर हमारी संस्कृति तो बोल रही है और ये बिल लाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये राजस्थान की धरा आपका वंदन करती है अभिनंदन करती है क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन नवीन संसद में पहला कोई ऐतिहासिक बिल आया वो भी हमारी मातृशक्ति के लिए। आज देश की और प्रदेश की आधी आबादी आपका वंदन कर रही है अभिनंदन कर रही है और मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं आप इस समय राजस्थान की वीर धरा पर आए हैं जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल पर दुनिया का पहला देश पहुंचा है वो आपके नेतृत्व में भारत पहुंचा है। दुनिया की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूशन करने वाला देशों की अध्यक्षता करने का गौरव आपके नेतृत्व में भारत को मिला है। नवीन संसद का शिला पूजन भी आपने किया है तो लोकार्पण भी आपने किया है और लोकार्पण में पहला बिल हमारी मातृशक्ति के लिए आया है तो राजस्थान की वीर धरा आपका वंदन करती है अभिनंदन करती है। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं आज तेजादशमी भी है आज बाबा रामदेव जी का जन्म जयंती दिवस भी है आज जलजूलनी 11 भी है और आज पूज्य दीनदयाल जी का जन्म जयंती भी है। अंत्योदय का भाव असली मायने में आत्मसात किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बार हर महिला को गैस का कनेक्शन आवास उज्ज्वला का कनेक्शन जनधन का खाता सीआरपीएफ सीआईएसएफ सैनिक स्कूल में मातृशक्ति का प्रवेश ये ऐतिहासिक निर्णय कोई किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने किया है। ये परिवर्तन यात्रा का समारोह कार्यक्रम है ये 4 रथ अश्वमेघ के रथ राजस्थान में इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 200 विधानसभा में घूमकर आज इस जयपुर की ऐतिहासिक धरा पर आए हैं और आज आपका मार्गदर्शन मिल रहा है ये तो निश्चित है कि आपके मार्गदर्शन जो जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है 2023 राजस्थान की जनता कमल खिलाएगी और 25 के 25 सांसद 2024 में जिताकर आपके पास भेजेगी। जो उत्साह आपके प्रति जो आशीर्वाद जो स्नेह जो अटूट विश्वास कार्यकर्ताओं का दिख रहा है अभी हम जयपुर में कुछ दिनों से कुछ होर्डिंग देख रहे हैं जिनमें लिखा है कि 2030 के लिए राजस्थान के लिए कोई सुझाव दीजिए राजस्थान की जनता सुझाव दे रही है गेलो जी आप घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। राजस्थान अग्रिम राज्यों की गिनती में पहुंच जाएगा जहां नारी शक्ति सुरक्षित होगी युवाओं के सपनों की उड़ान होगी किसानों की समृद्धि होगी और राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रसर होगा। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेना है
लेकिन मैं आपके सामने एक बात और कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। चुनाव दिसंबर महीने में है और इसी दिसंबर महीने में बराड़ू में विवादित ढांचा ढहाए जाने पर राजस्थान की सरकार गिराई थी और अब वापस चुनाव दिसंबर में है। जनवरी में प्रभु श्री राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन हुआ और वो लोकार्पण भी उसका आपके श्री हाथों से होगा। ये सौभाग्य आपको मिला है कि प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला आपके हाथों से रखी जाए। मेरा बंधु आपसे यही आग्रह, जिन्होंने विवादित ढांचा ढाए जाने पर हमारी सरकार गिराई थी और आपके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, तो दिसंबर में जो सनातन को गाली निकालते हैं उनको वोट की पेटी में दफन करके ऐसा ताला लगा देना कि कोई सनातन को गालियां देना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तैयार है हम सब लोग, तो उठाएं दोनों हाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाए कि 2023 में इस सनातन विरोधी सरकार को वोट की पेटी में दफन कर देंगे और 2023 में और 2024 में राजस्थान में कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से मैं आप सब कार्यकर्ताओं का भी और मंच पर सभी विराजमान नेताओं का सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं कि इस 20 दिनों में आप घर भूल गए, खाना भूल गए, इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए आपने अपने समय का दान दिया। आपका आभार प्रकट करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।